वेलकम टू अप्लाइड फेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत ध्रुव की निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, साथ ही समझेंगे कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है और उसकी निरक्ष क्या होती है। निरक्ष पर तीव्रता का फॉर्मूला भी हम निकालेंगे प्रूफ करते हुए। तो देखो, समझते हैं कि निकालना क्या है। वैद्युत ध्रुव की निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है यानी कि वैद्युत ध्रुव क्या है। तो वैद्युत ध्रुव में एक पहचान ये है कि एक तरफ होता है माइनस क्यू, दूसरी तरफ प्लस क्यू और बीच की जो दूरी होती है ये 2L होती है, तो इसको वैद्युत ध्रुव कहा जाता है। और ये माइनस क्यू प्लस क्यू समान परिमाण, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। यदि यहाँ पे 2q लेंगे तो यहाँ भी 2q लेना पड़ेगा, यानी समान परिमाण के हों लेकिन इनके इनके चिन्ह विपरीत हों तो उसे वैद्युत ध्रुव कहा जाता है। तो ये रहा आपका वैद्युत ध्रुव। अब हम आगे समझते हैं उसकी निरक्ष क्या है। तो वैद्युत ध्रुव जो हमने अभी बनाया था माइनस क्यू और प्लस क्यू से, इसके आगे की तरफ लेते हैं कोई पॉइंट पी तो ये अक्ष पर कहा जाता है, और इसके ऊपर लेते हैं कोई बिंदु पी जहां हम निकालेंगे तीव्रता उसे निरक्ष कहा जाता है। तो इस तरह से इसके सेंटर ओ से आर दूरी पे बिंदु पी लिया है हमने, आर बिंदु पी लिया है, इस बिंदु पी को हमने माइनस क्यू से मिलाया और इसको हमने प्लस क्यू से भी मिला दिया, और ये टोटल दूरी 2L होती है तो L यहाँ हो जाएगी, L यहाँ हो जाएगी, और इस वाले त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण बनेगा। तो हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना हो गया यहाँ पर R, तो R स्क्वायर, आधार कितना हो गया L, L स्क्वायर, वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, R और L की सहायता से कर्ण को हमने निकाल लिया है। जो दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी रहेगी, तो समान दूरी है, तो अंडरूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दोनों ये बराबर हैं। अब देखो डेरिवेशन पे चलते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हुए, कैसे बनाया है। देखो एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू, टोटल दूरी 2L है तो यहाँ से L इधर होगी, L इधर होगी क्योंकि O हमारा मध्य बिंदु पर है, सेंटर पे मौजूद है। अब आगे क्या करें, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ बिंदु P निकालना है। तो अब देखो बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता होगी उसे E1 माना है, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बनेगी उसको E2 माना है, और E1 E2 का जो परिणामी होगा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट होगा उसको हमने E माना है। तो अब प्लस क्यू के लिए हमने एरो इधर खींचा है यानी इस दिशा दिखाई है, और माइनस क्यू के लिए एरो इधर खींचा है तो इसकी दिशा इधर हो गई। कारण क्यों, कि प्लस क्यू से उसके दूर की ओर दिशा होती है, तो प्लस क्यू से उसे दूर की ओर दिशा होगी तो एरो इधर खींचेगा, माइनस क्यू से माइनस आवेश की ओर होती है दिशा हमेशा, तो माइनस आवेश इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी यानी कि E2 बनेगा। तो अब देखिए हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, साथ ही साथ तीव्रता का इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है किसी बिंदु के कारण, तो E=1/4πε0k×Q/R2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो देखो पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, अच्छा साथ ही साथ ये जो डायग्राम है ये बिंदु P यानी इतना जो डायग्राम है इसको हमने द्वारा से बनाया है, तो बिंदु P है, बिंदु P पर तीव्रता E1 आपकी ये रही, E2 इधर है तो E2 देखो ये रहा तीव्रता, इधर E है तो ये तीव्रता E है। अब तीव्रता E के हमने दो घटक लिए हैं, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक में E1 साइन लगाएंगे, ऐसे E2 साइन लगाएंगे, क्षैतिज घटक में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इधर E1 कोस लगाएंगे और E2 कोस लगाएंगे, दोनों एक ही दिशा में तो ये जुड़ेंगे और E1 साइन और E2 साइन दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट हैं। तो अब देखो तीव्रता निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, तो निकालेंगे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं यानी कि तीव्रता, तो उसको हमने E1 माना है। फॉर्मूला क्या है, ये रहा 1/4πε0K इंटू, अब देखो K क्यों आया है कि दोनों आवेशों के बीच में कोई न कोई मीडियम है। मान लीजिए एक आवेश यहाँ रखा है माइनस क्यू, एक आवेश यहाँ रखा है प्लस क्यू, तो बीच में कोई भी जो मीडियम है माध्यम है उसका परावैद्युतांक K होता है। या दोनों आवेशों के बीच में कुछ भी न हो, हवा हो या निर्वात हो, वैक्यूम हो, तो वहां K की वैल्यू 1 रखी जाती है। तो देखो आगे क्या है, क्यू, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब दूरी, तो प्लस क्यू से इसकी दूरी कितनी है, अंडरूट में है, तो अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी होगा होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। मतलब क्या, E1 का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि इसके वर्ग से वर्गमूल हट गया। यही है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली थी तीव्रता, अब माइनस क्यू के कारण निकालते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर इंटेंसिटी ही निकाल रहे हैं तीव्रता, तो इसको हम E2 मान के चलेंगे। अब देखो फॉर्मूला वही रहेगा, इसी का यूज करेंगे। आवेश क्यू है दोनों के लिए, माइनस क्यू या प्लस क्यू है, लेकिन दूरी भी सेम ही है, इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा सेम बनेगा, 1/4πε0K तो आता ही है, क्यू आवेश है हमारे पास अपॉन आर दूरी, दूरी इतनी है, तो वर्ग करेंगे वर्गमूल फिर से हटेगा, तो मतलब बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमने E1 E2 निकाल लिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि E1 इंटेंसिटी इधर है, E2 इधर है, तो दोनों का परिणाम ही इधर हो गया, क्षैतिज दिशा में हो गया और लंबवत भी हो गया, तो लंबवत घटक आपस में कट जाते हैं क्योंकि आपस में अपोजिट हैं और बराबर हैं, लेकिन E1 cos और E2 cos एक ही दिशा में हैं, तो इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, परिणामी तीव्रता, तो उसको हम मान के चलेंगे E। तो ये क्या बनेगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमने बताया कि साइन वाले कंपोनेंट घटेंगे और cos वाले एक ही दिशा में हैं तो जुड़ेंगे। अब देखिए हम E1 की और E2 की वैल्यू समीकरण फर्स्ट से और सेकंड से रखेंगे, हालांकि E1 की वैल्यू भी उतनी ही है, E2 की वैल्यू भी उतनी ही है, सेम है। तो E1 की वैल्यू यहां रख रहे हैं, cos साथ में चलेगा, तो 1/4πε0K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू आ गई, इंटू cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू भी सेम है जो E1 की है, तो 1/4πε0K इंटू क्यू अपॉन क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब इसमें एक चीज हमें दिख रही है, वो क्या, वो ये है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम हैं, इसलिए ये डबल हो जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 1/4πε0K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये रहा। अब देखो थोड़ा और आगे करते हैं, तो इस 2 को क्यू के पास रख देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/4πε0K ये नोट कर लिया, इंटू टू क्यू क्यों, इंटू में गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहीं से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे उसका ध्यान देंगे हम। देखो हमारे पास एक तो ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, कौन सा,
ओ ए पी भी त्रिभुज है, ओ बी पी ये भी त्रिभुज है, दोनों सेम है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, त्रिभुज ओ बी पी में, इसी को लेते हैं। चलिए तो इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी। हमें पता है कॉस थीटा होता है लाल बटे कका से आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में आधार बनेगा ओबी, आधार बनेगा ओबी, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा यानी बी से लेकर के पी, बी पी बनेगा। तो यहां कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओ से लेकर बी की लंबाई है एल अपॉन बी से लेकर पी की लंबाई है ये स्क्वायर रूट में, कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू यहां रख देते हैं। चलिए तो एल अपॉन अंडर रूट में है, अब देखो अंडर रूट को भी हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन बचेगी हमारी करने में, पर हम उनको हटाते हैं तो इसकी पावर आ जाती है पूरे पर एक बट्टे दो, एक बट्टे पावर को ही हम अपर अंगुल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसकी पावर वन बाई टू, ये हमारा ई का यहाँ तक फॉर्मूला आ चुका है। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं कि इस जो ई का फॉर्मूला है यहाँ से इनकी पावर को जोड़ना है, इसको यहाँ बात करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर एक मान के चलेंगे, यहाँ बात की जाए तो अंडर रूट, इसमें अंडर रूट में था तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर है एक बट्टे दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ई का फॉर्मूला बन रहा है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या, देखो ऊपर हमारा ये फॉर्मूला बन गया टू क्यू एल, ये हमारा 2QL, ये हो गया 2QL। नीचे बात की जाए तो नीचे क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसकी पावर, क्योंकि तो ये कोष्टक की पावर है एक और इस कोष्टक की पावर है एक बट्टे दो, तो गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, मतलब एक पावर में एक बट्टे दो पावर जोड़ेंगे तो डेढ़ हो जाएगी, यानी इसका इसमें गुणा करो इसे जोड़ दो, दो का एक में गुणा किया तो दो, दो का एक में जोड़ा तो तीन, तीन बट्टे दो पावर बनेगी इसकी थ्री बाई टू। ये अब देखिए हमारे यहां लग गए हैं कुछ फॉर्मूले, तो फॉर्मूले कौन से लगे लग रहे हैं, एक तो पी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है टू क्यू एल, तो ये तो बन जाएगा इतना इतना पी, यहां रख सकते हैं पी। अब देखिए साथ ही साथ हम ये भी लिखेंगे कि L का मान R की अपेक्षा, R की अपेक्षा बहुत कम है, तो बहुत कम है तो L का मान वेरी लेस देन R, बहुत कम है तो हम L स्क्वायर को, L स्क्वायर ये L स्क्वायर है इसको नगण्य मान लेंगे, नेगलेक्ट करेंगे नगण्य मानने पर, इसको नगण्य मान लिया तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो देखो क्या बन के आ रहा है E इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये पूरा सिस्टम बन गया P ऊपर और नीचे एल स्क्वायर को छोड़ने के बाद आर स्क्वायर बचा और इसकी पावर ऊपर बचेगी थ्री बाई टू यानी तीन बट्टे दो, इसकी बट्टे वाले दो से इसकी दो पावर कैंसिल होंगी, मतलब ई का फॉर्मूला क्या बचा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी ऊपर बचेगा, नीचे आर की पावर थ्री बचेगी क्यों दो से दो कैंसिल हो गया, तो आर की पावर बच गई है तीन, यही फॉर्मूला हमको निकालना था जो कि निरक्ष पर है, ई का मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। यदि देखो ऐसा भी हो कि निर्वात अथवा वायु हो, अथवा वायु हो तो K की वैल्यू बन आती है, तो यहाँ K की वैल्यू बन रखेंगे तो K हट जाएगा, तो E का फॉर्मूला क्या बचेगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यू, यही है किसका फॉर्मूला निरक्ष का। तो यहाँ P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
पी है वैद्युत ध्रुव आखो। तो इस प्रकार आज हमने बहुत ही आसानी से इसके डेरिवेशन को समझा है और इसका फॉर्मूला निकाला है। तो इससे पीछे वाले वीडियो में हमने अक्ष पे निकाला था और इस वीडियो में हमने निरक्ष के लिए फॉर्मूला निकाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।